केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे बायो मालिक्यूल्स क्या होते हैं इनमें पहला टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स की पहले मैं डेफिनेशन बोलता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्राक्सी एल्डिहाइट्स आर पॉलीहाइड्राक्सी कीटोन्स आर कंपाउंडस विच प्रोड्यूस दैम ऑन हाइड्रोलिस कार्बोहाइड्रेट्स या तो पालीहाइड्रोक्सी एल्डीहाइड हैं या फिर पालीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं या फिर ऐसे कंपोन्ड्स हैं जिनकी हम हाइड्रोलिस करें तो हमें वो दे दें पालीहाइड्रोक्सी एल्डीहाइड या फिर दे दें हमें पालीहाइड्रोक्सी कीटोन्स ऐसे कंपोन्ड्स को हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन ऐसे करते हैं हम मोनोसक्राइड्स डाई एंड पालीसक्राइड्स मोनोसक्राइड्स पाली में आता है ग्लूकोज हो सकता है या फिर फ्रुक्टोज या फिर ग्लैक्टोस ग्लैक्टोज हो फ्रुक्टोज हो या ग्लूकोस हो इनको हम कहेंगे मोनोसक्राइड्स डाई में माल्टोस होगा वो भी डाइसक्राइड है सुक्रोस भी डाइसक्राइड है लक्टोस भी डाइसक्राइड है पाली सक्राइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन या फिर ग्लूकोस आता है जैसे आप जहाँ पे देखे हुए दिस इज सिंगल शुगर मालिक्यूल ग्लूकोस क्या होता है सिंगल शुगर मालिक्यूल इसमें दो शुगर के मालिक्यूल हैं डाई सक्राइड डाई टू टू शुगर मालिक्यूल्स लिंक्ड तो पाली सक्राइड में देखो एक दो तीन चार पाँच छ मे बी मोर मैनी शुगर मालिक्यूल्स लिंक्ड हाँ इसके बाद देखो मोनोसक्राइड्स क्या होते हैं डिटेल में करेंगे इनको हम मोनोमीन्स वन सकर implies sugar in Greek. These are simplest group of carbohydrates and are referred to as simple sugars as they are sweet. je meethe hote hain वैसे भी इनका मेनिंग हमें जे कहता है मोनो का मेनिंग होता है वन। सक्रॉन हमें जे बताता है कि जे शुगर है। The compounds having free aldehydes or ketone group and two or more hydroxyl groups. They cannot be further hydrolyzed to simpler compounds. The general formula of monosaccharides is CNH2ON, examples glucose and fructose. Assay structure of glucose, hum one of the most important monosaccharides is glucose. दी टू कॉमली यूज मैथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज आर फर्स्ट फ्राम सुक्रोस इफ सुोस इज बॉइल्ड विद डल्यूट एसेड इन एन अल्कोहलिक सोल्यूशन देन बी ऑबटेन ग्लूकोस एंड फ्रोकटोस सुस की अगर हम हाइड्रोजिशिस करें हमारे पास दो मालिक्यूल आते हैं ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस हाँ स्टार्च से भी बनाया जाएगा फ्राम स्टार्च वी कैन ऑप्टेन ग्लूकोज बाय हाइड्रोलिस ऑफ स्टार्च एंड बाय बॉयलिंग इट विद डल्यूड सल्फ्यूरिक एसिड एट थ्री हंड्रेड नाइन्टी थ्री अंडर एलिवेटेड प्रेशर स्टार्च से भी इस तरह से बन सकता है ग्लूकोस इज आल्सो कॉल्ड एल्डोहेक्सोसिस एल्टोमीन्स एल्डिहाइड hex means six and dextrose and is abundant in on earth glucose is named as d positive glucose d represent the configuration whereas positive represents the dextro nature of the glucose कुछ डेक्सट्रोन रोटेटरी होते हैं एंड कुछ लेबियो रोटेटरी होते हैं दे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैन एक्सप्लेन मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज विच कैनॉट बी फिगर्ड बाई ओपन चेन स्ट्रक्चर जो हम ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं बता सकते हैं the 2 cyclic structures differ in the configuration of hydroxyl group at c 1 called as anomer, anomeric carbon such isomers that is alpha and beta assay isomers to amcathia alpha isomer and beta isomer beta form are known as anomers they are also called as एनोम द साइक्लिक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड पायरनो स्ट्रक्चर ड्यू टू इट्स एनालॉजी विद पायरान पायरान इज ऑर्गेनिक कंपाउंड द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज गिवेन ब्लो दिस इज द्लूकोज स्ट्रक्चर पहले आपसी दी कार्बन चे लिखोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन के चीन पहले कार्बन को बनाओगे एल्डिहाइड ग्रुप सी एच ओ दूसरे कार्बन में एक साइड एच दूसरे साइड ओ OH, एच तीसरे में इस साइड एच उस साइड ओ एच चौथे में यहाँ पे एच यहाँ पे ओ OH, एच और पाँच में भी इस साइड ओ OH, एच उस साइड एच और लास्ट में कर दोगे सी एच टू ओ एच दिस इज डी ग्लूकोज ऐसे ही डी मानोस कैसे होगा यहाँ पे सी एच ओ में राइट साइड में है ओ एच इसमें लेफ्ट में होगा बाकी आप देख रहे हो बाकी सेम स्ट्रक्चर है जैसे ग्लूकोस का अब आपके सामने नेक्स्ट हैं अल्फा डी ग्लूकोस बीटा डी ग्लूकोस अल्फ़ा डी मानोस एंड बीटा डी मानोस अल्फा डी ग्लूकोज को जब हम हाँ ऐसे लिखेंगे पहला कार्बन जो मैं आपको बता रहा था सी एच ओ इसको ऐसे निकाल लिखा जाएगा दिस इज कार्बन यहाँ पे ओ OH, एच तो एच यहाँ नहीं दिखाया है कार्बन टू पे इस साइड ओ OH, एच इस साइड एच लगा सकते हो आप तीसरे नंबर पे अंदर की साइड ओ एच बाहर एच फोर्थ में इस साइड ओ OH, एच इस साइड एच भी लगा सकते हो तो दिस इज एच इधर आ जाएगा आपका ओ एच सिक्स कार्बन यहाँ पे सी एच टू दिस इज आल्सो सी एच टू ओ एच बीटा डी ग्लूकोज कार्बन नंबर वन ओ एच ग्रुप ऊपर वाली साइड आ जाएगा टू में नीचे थ्री में अंदर फोर में नीचे फाइव में कुछ नहीं सिर्फ एच सिक्स में सी एच टू और यहाँ पे आ जाएगा ओ OH. एच तो इस तरह से मानोस दिस इज बीटा डी ग्लूकोस इट इज़ अल्फा डी एंड दिस इज बीटा डी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे क्या फ़र्क है सिर्फ वन कार्बन पे ये ऊपर वाली साइड है ये वाला नीचे वाली साइड होता है बस यही इनमें फ़र्क है दिस इज़ कॉल्ड अल्फा पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड बीटा बीटा डी ग्लूकोज अल्फ़ा डी मानोस एंड बीटा डी मानोस में भी फ़र्क है कार्बन नंबर वन पे अगर ये नीचे वाली साइड होगा दिस इज अल्फ़ा डी मानोस मानोस टू में ओ एच अंदर थ्री में भी ओ एच अंदर फोर में ओ एच नीचे फाइव और सिक्स में सी एच टू दिस इज़ ओ एच सेम स्ट्रक्चर है इसका बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर वन यहाँ पे ओ एच ऊपर आ गया बाकी सारा स्ट्रक्चर दिस इज़ बीटा डी मैनोस ऐसे ही स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज क्या है आगे structure of fructose it is an important keto -hexosis. the molecular formula of fructose is c6h12o6 and contains ketonic functional group at carbon number 2 and has 6 carbon atom in a state chain the ring member of fructose is in analogy to the compound एंड इज नेमड एज फ्रोस द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रोनोस इज गेवन बिलो दिस इज फ्रक्टोस लीनियर स्ट्रक्चर डी फ्रक्टोस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन के चेन लिखोगे नंबर वन में सी एच टू ओ एच नंबर टू में किटोनी ग्रुप सी डबल वन ओ क्योंकि आर सी ओ आर इस साइड ओ एच इस साइड एच इसमें इस साइड ओ एच इस साइड एच तीन में राइट साइड ओ एच और इस साइड एच सिक्स में इस साइड ओ एच सी एच टू ओ एच तो इसको भी अगर हम इकट्ठा करेंगे जैसे आप देख रहे हो कार्बन नंबर वन दिस इज़ कार्बन नंबर वन सी एच टू तो ओ एच फिर इसके बाद दिस इज़ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ओ कार्बन नंबर टू दिस इज़ कार्बन नंबर टू ओ एच ई साइड थ्री में ओ OH एच अंदर थ्री में ओ OH एच अंदर फोर्थ में ओ एच OH नीचे जितने भी राइट साइड होंगे ये नीचे आ जाएंगे फिफ्थ में ये भी नीचे आ जाएगा फोर्थ में नीचे फिफ्थ में सीधा सी एच टू ओ एच दिस इज फिफ्थ कार्बन नंबर दिस इज सिक्स में सी एच टू ओ एच दिस इज अल्फा डी फ्रक्टोफ्रनोस नेक्स्ट डाईसक्राइट्स क्या होते हैं डाईसक्राइड्स ओनली आन हाइड्रोलिस डाईसक्राइड्स ईल्ड टू मालिक्यूल्स ऑफ आइदर सेम आर डिफरेंट मोनोसक्राइड्स दी टू मोनोसक्राइड यूनिट्स आर ज्वाइंट बाई आग्जोलिंकेज विच इज़ फाउ बाई द लॉस ऑफ वाटर मालिक्यूल एंड दिस लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज सुक्रोज इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाइसक्राइड्स विच ऑन ऑनहाइड्रोलिस गिव ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस आप स्ट्रक्चर सेंट क्या करेंगे हम ध्यान से दिस इज सुस स्ट्रक्चर दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द सुकरोस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इसमें होता है पीछे हमने दोनों ये कर दिए हैं पहले आप बनाओगे दिस इज ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और दिस इज फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर तो इसमें भी क्या था हम आपका ओ एच इसमें भी क्या था ओ एच तो माइनस करोगे बाटर पीछे रह गया ओ बाकी सेम स्ट्रक्चर दोनों यहाँ पे ऐसे बताने हैं लैक्टोज में गलेक्टोज एंड ग्लूकोस दोनों के स्ट्रक्चर हम पीछे पढ़ के आगे ऐसे स्ट्रक्चर आप सीधे लिखोगे तो यहाँ पे ऊपर वाली साइड इधर भी ओ OH एच ग्रुप है इधर भी ओ एच OH माइनस वाटर किया तो दिस इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाएगी तो सेम स्ट्रक्चर माल्टोस में दो मालिक्यूल ग्लूकोज के इकट्ठे करेंगे अभी पीछे पड़े हमने दोनों ग्लूकोज के मालिकूल इकट्ठे करने के बाद यहाँ पे माइनस वाटर होगा माइनस वाटर हो जाता है तो ये बन गया ग्लाइकोसाइटिक लिंकेजेस माल्टोज एंड लैक्टोज आल्सो नोन एज मिल्क शुगर आर अदर टू इम्पॉर्टेंट डाइसक्राइड्स इन माल्टोज देयर आर टू अल्फ़ा डी ग्लूकोस एंड इन लैक्टोज देयर आर टू बीटा डी ग्लूकोज बिच आर कनेक्टेड बाई ऑक्साइड बांड जो दोनों ऑक्साइड बांड से लिंक करते हैं पाली पॉलीसक्राइड कंटेन लाग लॉन्ग मोनोसक्राइड यूनिट्स जॉइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मोस्ट ऑफ देम एक्ट एज फूड स्टोरेज फॉर एग्जाम्पल स्टार्च स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीस्क्राइड फॉर प्रां प्लांट में स्टार्च फूड को स्टोर करके रखती है इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ ए अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स अमाइलोस एंड अमाइलोपैक्टिन इसमें दो कंपोनेंट होते हैं एक को हम बोलेंगे अमाइलोस एंड दूसरा अमाइलोपैक्टिन सेलुलोज़ इज आल्सो वन ऑफ द पॉलिसक्राइड सेलुलोज भी एक पालिस्क्राइड है दैट आर मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स जो प्लांट्स में होती हैं इट इज़ कम्पोज ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट जॉइंड बाई ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज बिटवीन सी वन ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट एंड सी फोर ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट ग्लाइकोजन क्या होता है दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड मेनली इन एनिमल बॉडी जी एनिमल बॉडी में ही स्टोर होते हैं इट इज प्रजेंट इन दीवर मसल एंड ब्रेन वैन दॉडी नीड्स ग्लूकोज एनजाइम ब्रेक्स द गाइकोजन तब एनजाइम्स ग्लाइकोजन को तोड़ देते हैं चलो यहाँ तक रखते हैं हम थैंक्स